कई कई ऐसी बातें जिनकी याद आकर हृदय में आम हंसता है, ऐसे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। बड़ा विचित्र समय आ गया है। कल एकांतिक में कह रहे थे कि हजारों लोग जिस बात को आप मना करते हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसी बात को मानेंगे जिसे हजारों लोग, तो हजारों लोग गलत करें तो आप उस गलत को गलत नहीं बोलोगे, सपोर्ट करने लगोगे। हजारों गलती कर रहे हैं तो तुम उसी गलती को सपोर्ट करोगे। हजारों शराब पी रहे हैं तो तुम शराब को सही मानोगे। हजारों मांस खा रहे हैं तो आप उसको सही का निशान दे दोगे। हजारों व्यभिचार कर रहे हैं तो तुम सही का निशान दे दोगे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धर्म शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले चाहे करोड़ों हो जाए तो भी उसका विरोध होता रहेगा। अगर अंदर से आप विरोध करोगे तो निकल जाओगे दुर्गुणों से। अपने दोषों का समर्थन करने वाले की दुर्गति होती है, विपत्ति में फंसता है। भगवान कह रहे त्यागा शांतिरंतरम और उपदेश दिया दे रहा भोगा शांतिरंतरम। शास्त्र सम्मत जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की बात से बढ़कर किसकी बात होगी। ब्रह्म ऋषि जन भगवान की ही तो दी हुई बातों का अनुभव करके बोलते हैं। ये कौन सी रीति चल गई है। मनमानी आचरणों को साधना कहा जाता है। अपने दोषों का समर्थन करके उसे कहा जाता है वो पुराने जमाने की बातें थी, अब ये बातें माननी पड़ेगी। ये व्यर्थ जीवन, निरर्थक जीवन, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों को तड़पा तड़पा के, फिर काल उनको तड़पा तड़पा के मारता है, सांस लेने का अवसर नहीं देता। याद रखना, जो प्रभु के उपदेश से बिलख चलता है वो कभी महात्मा नहीं हो सकता, वो इंद्रियों का गुलाम हो सकता है।